एसबेस्टस एक धातु होता है एसबेस्टस का लेयर लगा दिए आ इसके ऊपर रख दिए नाइक्रोम की तार किसकी तार रख दिए नाइक्रोम की तार अब ध्यान से समझिए नाइक्रोम की तार के पास एक खराबी यह है कि इसका अगर इसको क्वाइल बना देंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा और यह बहुत ज्यादा उषमा देगा लेकिन नाइक्रोम में उषमा के साथ साथ करेंट भी दे देता है जाके छूएगा नाइक्रोम के तारवा को ना झंझना देगा यहाँ तो भाई परेश करने में तो झंझना देगा इसके लिए हम लोग यूज किए नाइक्रोम की तार किसकी तार को इसलिए कि नाइक्रोम की तार हीट लेके उषमा दे देगा अब बच गया उष्मा ले आ दे और हीट और करंट रोक दे हमें एक ऐसा चाहिए जो नाइक्रोम द्वारा उत्पन्न उषमा को ट्रांसफर कर दे लेकिन करंट को रोक दे यही ना चाहिए इसका काम करता अभरक कौन करता है अभरक तो इस नाइक्रोम के नीचे एक किसकी लेयर लगा देते हैं अभरक ऊपर नीचे सब जगह क्या लगा देते अभरक की अभरक, यानी अभरक की खासियत है कि उष्मा को जाने देगा और करेंट को कह इधर कहाँ जा रहा है आपने। मेरा काम हो गया क्योंकि हमें एक ऐसा प्रेस चाहिए था जो उषमा दे करेंट नहीं हो गया काम खत्म अब इसकी तार सप्लाई कर दीजिए चलिए भैया इसका तार की सप्लाई दे, दे देते हैं तार की सप्लाई प्रेस बन गया अब इसमें ऐसे अपना प्रेस करते रहिए जिस डिजाइन का प्रेस है तो थोड़ा कराना चाहिए। हो गया यहाँ पे? अब अपना क्या करते रहिए प्रेस करते रहिए क्या प्रेस हो गया बाकी तो ऊपर सजावट के लिए होता है अब यहां पे करंट जा रहा है अब इस करंट पे हम क्या कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा ये करंट चला गया और इसको हम कॉयल क्यों बनाए हैं उसमें उत्पन्न करने के लिए प्रेस का सिंपल कंसेप्ट अच्छा अगर हम प्रेस लाइन बार बार करते जा रहे हैं अब प्रेस अगर पुराना हो गया उसका नट बोल्ट ढीला हो गया तो नट बोल्ट ढीला होने से आ, ये नीचे का एस्बेस्टस इसलिए लगाते हैं एस्बेस्टस हल्का होता है एस्बेस्टस काफी हल्का होता है और लोहा काफी भारी होता है तो पहले का प्रेस बड़ी भारी होता था अभी एकदम हल्का हो गया तो एस्बेस्टस क्यों लगाएं हल्का होने से अभरक क्यों लगाए करेंट को रोक दे और नाइक्रोम क्यों लगाएं उष्मा दे नाइक्रोम को कॉयल में क्यों किए प्रतिरोध बढ़ जाए सारा काम हो गया अच्छा ज़्यादा समय पुराना हो जाएगा प्रेस नट बोल्ट ढीमा हो जाएगा तो इसे आगे पीछे करिएगा तो अभरक और एसबेस्टस रगड़ने लगेंगे आपस में अगर ढीला हो गया तब तो, तो देखिए कुछ कुछ प्रेस ढीला हो जाता है खड़खड़ खड़खड़ करता है आदमी कहता है ढीला हो गया तो करो ना प्रेस ढीला होने से घस घिसने लगता है कौन अभरक दो चार महीना बाद अभरक घिस गया अबरक अगर घिस गया तो नाइक्रोम डायरेक्ट टच में आ जाएगा एसबेस्टस के अब छुएगा प्रेस गर्म है कि नहीं बाप हो बाप, मार दिया करंट मारा है कि नहीं कभी आप लोग कितने लोग को करंट कभी नहीं लगा नहीं लगा है तो आप लोग को पता ही नहीं है कि लगने पे क्या आभास होता है <laughs> क्योंकि वो एक ऐसा चीज है ना जिसको करंट लगा है, वही जानता है वो फील क्या है डर क्या है जिसको करंट लगा है, उससे पूछिए ना डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू कहेगा ना भैया हम ना चाहिए यहां पे, जिनको करंट नहीं लगा है, वो उस तकलीफ को नहीं समझ पाएंगे पता नहीं क्या कर देता है वो <laughs> देखते हैं पूरा शरीर झंझना देता है क्योंकि जैसे करंट जाता है, हमारे ब्लड में क्या है वाटर है पूरा शरीर क्या हो जाता है झनाद जन और जितने लोगों को करेंट लगा है उनसे कहिएगा दूसरे को एक्सप्रेस कीजिए तो कैसा फील होता है वो <laughs> क्या बता पाएगा <laughs> अरे बहुत बढ़िया फील होता है <laughs> मारेगा तो व्यवस्था हो जाएगा यहाँ पे आगे बढ़ जाए किसी को दिक्कत तार समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो प्रेस बनाना कोई मुश्किल काम है यहां भी झगड़ा हो रहा है नाइक्रोम का किसका अच्छा अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो झगड़ा खत्म कौन जीत जाएगा नाइक्रोम कहेगा भाग यहां से करंट आता भाग प्रेस के बाहर जो यहां पर करंट आता है आधा घंटा बाद को स्टेबलाइजर लगा के अब वोल्टेज हुआ बढ़ा दिया तो फिर करंट आएगा गया है रे नाइक्रोम हमारा भगाया था आप भी यहाँ पे तो सारा लड़ाई है इधर से रहना चाहिए वोल्टेज और उधर से रहना चाहिए प्रतिरोध क्या रहना चाहिए पर अगर इसमें से कोनो भारी पड़ा तो लड़ाई खत्म जैसे कभी कभी क्या होता है ना कभी कभी वोल्टेज बड़ी भयानक आ जाता है वोल्टेज बहुत भयान तो एकदम तरनाई ले आता है वोल्टेज कहाँ रे तुम टंगस्टन कहीं का लिया धज्जी उड़ा दिए तो तूर देता है टंगस्टने को बल्ब फ्यूज हो गया तो भाई लड़ाई चालू रहनी चाहिए तभी तो आपको फायदा है वोल्टेज कभी कभी तगड़ा रहता है ना ही उड़ा देता है तो लोग कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया तो ई गिर जाता है इसी में तो आदमी बल्ब देखता है ए फ्यूज हो गए लोग तो कभी कभी पूरी तरह से टूट जाता है तो सही नहीं हो सकता और कभी कभी ना टूट के उसी में झूलते रहता है तो लोग कहता अरे अरे सीधा कर सीधा कर चल 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 फिर चालू हो गया आगे। आगे अब आगे बढ़े अब चलिए ध्यान से समझिए तो प्रेस हो गया अब क्या हुआ प्रेस में कि प्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हमारे कपड़ों की कैटेगरी अलग होती गई कुछ कपड़ा होता है उसको अगर ज्यादा प्रेस करिएगा तो सट जाएगा एकदम बहुत डर कपड़ा होता है तनी सा प्रेस वाला शर्ट जगह अरे तरीका जरा दिया अब वो सिकुड़ जाएगा और सूती कपड़ा बहुत थेथर होता है प्रेस को कहता हमारा करेगा प्रेस जय कर दे प्रेस अब प्रेस हटाएंगे तो ले फिर हो जाएंगे बड़ी टेंशन होता है सबसे प्योर सूती कपड़ा कभी प्रेस कीजिएगा बहुत थेथर होता है बार बार प्रेस कीजिएगा हो जाएगा अच्छा हमको लगता है लड़कों को पुरुषों को किसी ने श्राप दिया कि एकरा से कबो अच्छा से कपड़े प्रेस ना हो लड़का सबसे कितनों बढ़िया से प्रेस करो फिर मुड़ जाता है अब वही घर पे मम्मी करेंगी उन्हें देखते रहेंगे इन्हें प्रेस कर देंगे सही हो जाएगा आप हम एकदम आराम से <laughs> अरे बर्नियर कैलिपस लगा के करिएगा ना तब तो वो ससुरा गड़बड़ा जाता है यहाँ पे नहीं जाना गड़बड़ाइए जाता है हालांकि जो अभ्यस्त होते हैं उन लोग का ठीक रहता है से दुकान वगैरह पे कोयला वाला प्रेस आता तो हम लोग जो अब प्रेस यूज करते हैं तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के, के कपड़े हैं अब हम एक ही टेम्परेचर पे सारे कपड़े को अगर प्रेस करने लगे तो कुछ कपड़े जल जाएंगे कुछ कपड़े जलेंगे ही नहीं तो हम लोग ने क्या किया कि एगो एक्स्ट्रा कॉयल लगा दिए एक्स्ट्रा क्वाइल यहाँ पर क्या लगा दिए एक्स्ट्रा कॉयल लगा दिए यहाँ पर क्या लगा दिए एक्स्ट्रा कॉयल अब करेंट को पहले इसमें ले लिए करेंट को पहले किसमें ले लिए इसमें ले लिए समझ समझा गया और यहां से करंट को हटा दिए अब करंट पहले जाएगा इसमें समझा गया और यहां से आएगा इसमें समझा गया कि नहीं अब यहां पे इसको नचाने वाला है अगर क्वाइल की संख्या छोड़ा देंगे तो क्वाइल हो जाएगा कम प्रतिरोध हो जाएगा कम झगड़ा होगा कम उसमें निकलेगा कम के ले, ले। आठ के एकदम पूरा ध देंगे तो पांच बार ऑंट देंगे ले तो ऑट के क्या हो जाएगा क्वाइल हो जाएगा ज्यादा अब उसका लंबाई हो गया ज्यादा प्रतिरोध हो गया ज्यादा अब धकाधक मारेगा एकदम कपड़ा गद्दा चादर तकिया सब चौकी ले प्रेस कर देगा ले इसलिए आजकल के प्रेस में एक नया सिस्टम जोड़ दिया ऑटो कट क्या जोड़ दिया ऑटो कट कि यहाँ एक थर्मामीटर लगा दिया क्या लगा दिया थर्मामीटर अब वो नाप लेता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तुरंत सप्लाई को काट देता है क्या कर देता सप्लाई तो अब अब आपके पास प्रेस बन गया अब उसको जितना मेकअप करते रहिए नहीं समझाया गया तो पहले डायरेक्ट सप्लाई किसको दे देते थे नाइक्रोम को अभी ना ना अब उस चकरिया को देते हैं अब वो उसी को कहते हैं रेगुलेटर वो रेगुलेट करता है क्या करता है रेगुलेट करता है तो क्या हो गया रेगुलेटर क्या हो गया रेगुलेटर हो गया? रेगुले... कम कर दीजिए ज्यादा कर दीजिए अब उसमें सुधार आपके मर्जी है एक हो गो प्रेस के ऊपर ना पानी के लिए टंकी बनी ले रहता है उसमें पानी का टंकी बना देता है बटन दाबेंगे तो नीचे से पानी छोड़ देता है तो इसमें क्या दिक्कत है उसमें सुधारते रहिए नहीं समझे आप प्रेस वेस के लिए मेरे घर भी यही वाला प्रेस है <laughs> अरे ऐसे ही सब काम ना। ये तो ऊपर का कवर बेकेलाइट का बना दीजिए फाइबर या किसका बना दीजिए बेकेलाइट का कवर किसका बन जाएगा फाइबर या बेकेलाइट का